यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस बार की देखी जाएगी पर उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। मोमो, मैं देख रहा हूँ तुम आजकल मुझे ना बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रहे। डोंट टच प्लीज। आपने कौन सी मुझे गाड़ी दिला के दे दी है जो मैं आपको लिफ्ट कराऊं? अरे मेरा मतलब है मोमो, तुम अब बैठ कर मुझसे दो घड़ी प्यार की बातें भी नहीं करती। किसके प्यार की? अरे अपने प्यार की यार। नहीं जी, अब्बा जी ने मना किया था कि अपने किसी प्यार के बारे में ना अपने मियाँ को कुछ न बताना। हाँ जी। अरे मैं अपने प्यार की बात कर रहा हूँ यार मोमो, इतने दिन हो गए हम दोनों ने बैठ के एक दूसरे से प्यार की बात ही नहीं की। हाँ तो आपने भी तो कितने दिन से मुझे आइस वाली क्रीम नहीं खिलाई है। बस इतनी सी बात है? चलाओ तुम्हें अभी खिला के लेके आता हूँ। नहीं जी, मैं इतनी गर्मी में बाहर नहीं जा रही, आप मेरे लिए ना घर लेकर आए। मोमो मेरे पास घर लेने के पैसे नहीं है। मेरा मतलब है आइसक्रीम घर लेकर आ जाए ना। अरे मोमो घर लाते लाते तो आइसक्रीम पिघल जाएगी। हाँ तो कोई नहीं, वैसे भी ठंडी ठंडी मुझसे खाई नहीं जाती, मेरे ना कानों में दर्द होता है। मोमो इन्हें दांत कहते हैं। कानों को? नहीं दांतों को। तो फिर कानों को क्या कहते हैं? आपके कानों में दर्द हो रहा है? नहीं भाई, मेरे कान से धुआं निकल रहा है। आप नहाते हुए कानों में पानी जो नहीं डालते होंगे बच्चू। ला रहा हूँ तुम्हारे लिए आइसक्रीम। अरे यहाँ बैठने से तो बेहतर है मैं तुम्हारे लिए बाहर से आइसक्रीम ही ले आऊँ। अरे कौन सी खानी है बताओ? डब्बे वाली। अरे वो तो सारी डब्बे वाली होती है, फ्लेवर बताओ। वो क्या होता है? टूटी फ्रूटी ले आऊँ? नहीं जी, साबुत लेकर आइएगा, टूटी हुई जो होती है ना वो कपड़ों पे गिर जाती है। हेलो, ओए नबील कैसा यार तुम? कौन? ओए हम शेर बोल रहे हैं, शेर। ओ भाई मेरा शेर सुनने का कोई मूड नहीं है, मैं अली इमरान से तांगू, ऊपर से तुम भी शेर सुना रहे हो। ओ यार हम शेर खान बोल रहे हैं, शेर खान। शेर खान कहीं तुम हमारे घर तो नहीं आ रहे? और यार हमारे पास अब इतना भी पारक टाइम तोड़िए कि बार बार हम तुम्हारे घर आए। थैंक यू शेर खान, थैंक यू, यू आर ग्रेट। ओए इस टाइम हमारा अबू आ रहा तुम्हारे घर पे। क्या? हाँ और बात सुनो, हमारा अबू पहली दफा कराची आ रहा है। तुमने उनका थोड़ा खिदमत भी मत करना है। देखो उसका ख्याल रखना, बूढ़ा आदमी है, कोई शिकायत में कायत नहीं होना चाहिए। यार शेर खान हम तो खुद खूबसूरत के पापा के पास लाहौर जा रहे हैं। और यार फिर कैंसिल करो, हमारा अबू से ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो। और वो तो 3 दिन पहले से बस में बैठा हुआ है। लेकिन शेर खान वो बस करो, ये लेकिन लेकिन खमीज का बच्चा हमारा अबू आ रहे, तुमने उसका बस ख्याल रखना है बस। शेर खान जानू जानू, शेर खान का फोन आया था। क्या? हाँ कहीं वो फिर से तो नहीं आ रहा नबील? नहीं जानू वो नहीं आ रहा। थैंक गॉड। उसका बाप आ रहा है। क्या शेर खान का बाप? हाँ जानू, तकरीबन धमकी दी है शेर खान ने कि हमें उनकी खिदमत करनी है। नबील तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे रिश्तेदार क्या कम थे कि अब तुम्हारे रिश्तेदारों के दोस्त के अब्बाओं की भी खिदमत करूंगी मैं? जानू शेर खान बचपन का दोस्त है महमूद साहब का। तो मेरे तो नहीं है ना, फौरन मना कर दो उन्हें, कोई जरूरत नहीं आने की। जानू कैसी बातें कर रही हो यार, वो 3 दिन से निकले हुए हैं, किसी वक्त भी पहुंच जाएंगे। महमूद साहब को पता है क्या? नहीं नहीं जानू, मैं तो सीधा तुम्हारी तरफ आया हूँ। वेरी गुड, महमूद साहब को मत बताना कि शेर खान के अब्बू आ रहे हैं। हम महमूद साहब को सरप्राइज देंगे? नहीं, हम शेर खान के अब्बू को दरवाजे से ही कटा। क्या? हाँ नबील तुम्हारे लिए क्या मसला है, वो तो तुम्हें जानते ही नहीं है। हाँ जानू ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कौन है? कहाँ थे आप, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था, आप मुझे फोन कर देते मैं खुद आता आपको लेने बस अड्डे। ओ यार हम पठान है, हमारी हड्डियों में बहुत ज्यादा दम है। अरे हाँ अंकल वो तो लग रहा है, आए आए अंदर आ गए। माजी महमूद साहब देखे कौन आया। ओ यार महमूद पुत्री,
तू कैसे पुत्री? यार मेरा मतलब है महमूद, कैसा है तुम? शेर खान, ये तुझे क्या हो गया? तू बहुत जल्दी बूढ़ा हो गया है? अरे ये कराची और पेशावर के टाइम में इतना फर्क आ गया है। और मनाओ जल्दी जल्दी ईदें। और यार खाना खराब, ये तुम क्या बोलता है? हम शेर खान नहीं है, हम शेर खान का वालिद है, बब्बर शेर। यार शेर खान ने फोन किया था नबील को, क्या आ रहा है? नबील तुमने बताया क्यों नहीं यार? यार महमूद साहब मुझे पता नहीं था कि खान साहब मेरे लिए इतने सारे तोहफे लेके आ रहे हैं, वरना तो मैं क्या करता, देगे चढ़वा देता हलीम की और बाहर तंबू लगवा देता। अरे यार सूटकेस पे याद आया, लाओ चलो हमारा सूटकेस दे। आपका सूटकेस? हाँ यार उसमें हमारे कपड़े हैं। आपने तो कहा था इसमें मेरे लिए तोहफे हैं। ओ यार वो तो हम तुम्हारे से मजाक कर रहा था जान मन। क्यों तुमको हमारा मजाक पसंद नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया मुझे ये मजाक पसंद। शेर खान तू जरा मुंह धो ले फिर आराम से बैठते। ओए हम शेर खान नहीं है, बब्बर शेर है, और बब्बर शेर कभी मुंह नहीं धोता है, सिर्फ आराम करता है। आपने कमरा बताओ किधर है? वो वाला। अच्छा ठीक। उठो मामा। किधर जाना है? इधर इस स्टेशन पे चलते हैं। जानू 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 बब्बर शेर आ गया। बब्बर शेर? क्या बब्बर शेर? हाँ। अरे बब्बर शेर घर में आ गया, तुम इतनी आसानी से मुझे बता रहे हो? ओ यार असली वाला बब्बर शेर नहीं, शेर खान का बाप बब्बर शेर आ गया है। क्या? हाँ जानू। नबील मैंने तुम्हें कहा था उन्हें दरवाजे से भेज देना, तुमने कैसे उन्हें घर में घुसने दिया? ओ जानू उन्होंने ना दरवाजे पर ही मुझे बड़ा सारा बैग दे दिया और बोला ये तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। फिर क्या जानू, उसमें तो बब्बर शेर के अपने कपड़े थे यार। यही तो तुम्हारी हरकतें हैं नबील, जिनकी वजह से हम सबको प्रॉब्लम होती है। अब कौन भुगतेगा उन्हें? महमूद साहब भुगतेंगे, और कौन भुगतेगा? मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती नबील। वो क्या? शेर खान तो खुद मरने वाला है, उसका बाप अब तक कैसे जिंदा है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सुनी क्या सोच रहे हैं? मोमो मैं ये सोच रहा हूँ कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शेर खान का बाप तो मर चुका है। आए, इसका मतलब है हमारे घर उसकी रूह आई है। अरे उसकी रूह यहाँ कैसे आ सकती है भाई? क्या वो रूह को हमारा एड्रेस नहीं पता? मोमो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने शेर खान के बाप के जनाजे में शिरकत की थी। क्या? हाँ यार। वो तो फिर ये जिंदा कैसे हो गया? आओ आओ चल कर पूछते। चलो खाना खराब। वो यार तुम हमारे को ये उंगली क्यों लगा रहे? वो मैं चेक कर रहा था कि आप असल में हैं भी या नहीं। खाना खराब, हम तुमको प्लास्टिक का लगाए, ये एकदम असली है, असली। अच्छा अच्छा अच्छा। क्यों महमूद साहब आपको कुछ शक है क्या? यार नबील मुझे अच्छी तरह याद है कि शेर खान का बाप मर चुका है। क्या? और तुम्हारा दिमाग खराब है? हम यहाँ जिंदा बैठा है तुम्हारे सामने। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं महमूद साहब आप। अरे मैंने खुद उनके जनाजे में शिरकत की है यार। What? अच्छा अच्छा तुमने जनाजे में शिरकत किया था? हाँ मैं मट्टी डाल के निकल गया था। तो बस जिस वक्त तुम निकले उसके बाद हम निकले। और यार हम बेहोश हुआ था 2-3 दिन, लोग समझे कि हम मर गए। सब ने हमको दफनाया, हमको होश आया, हम चीखा मीखा तो हमको उन्होंने कब्र से बाहर निकाल दिया। ये आप कैसे बेहोश हुए थे कि लोग समझे आप मर गए? वो बेटा दरअसल बात ये है कि जब हम बेहोश होता है तो सांस नहीं लेता है, ये हमारा प्रॉब्लम है। हाँ हम ऐसा 3-4 मरतबा मर चुके हैं। नबील इनसे पूछो यहाँ क्यों आए? खान साहब आप अपनी जायदाद हम लोगों में बांटने आए? नहीं भाई नहीं, हम तो यहाँ पर बहुत ही स्पेशल काम के लिए आया है। और वो काम क्या है? देखो भाई हम पूरा 100 साल का हो गया और एकदम अटक है। वो जो हमारा बेटा है ना शेर खान, उसको हमारा बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि हम यहाँ पर आकर तुम सब लोगों से बात करें। कैसी बात खान साहब? वो असल में हम यहाँ पर दूसरा शादी करने के लिए आए हैं। क्या? ना आपसे शादी करने से पहले कोई औरत खुदकुशी ना कर ले। हाँ तो फिर ठीक है,
आम खुदकुशी के बादशाह दिखा रहेगा। ओ खान साहब, हम आपके लिए 100 साल की औरत कहाँ से ढूंढेंगे भाई? और खबीस का बच्चा, हमको 100 साल का औरत से शादी नहीं करना है। तो फिर हमारे लिए कोई 25-26 साल की जवान लड़की ढूंढो। यार देखो, हम पैसा पानी की तरह खर्च करेगा। ये चीज मेरे अजीज, बुड्ढी का दिमाग खराब हो गया क्या? ओए खबरदार, मेरे मियाँ को कुछ कहा हो तूने तो। माँ जी, मैं इस बुड्ढे की नहीं, उस बुड्ढे बब्बर शेख की बात कर रही हूँ। हाँ तो हम उसकी शादी क्यों कराएंगे? हमने कोई शादी दफ्तर खोला है इधर? अरे मोमो, उसने 50,000 रुपया दिया है हमें। 50,000 रुपए दिए तो हमने किसी भी लड़की को आग में नहीं झोंकते ना। वो जानू, हमने तो सिर्फ रिश्ता कराना है, आगे उस लड़की की किस्मत। हाँ पुत्र, वैसे भी उस गब्बर शेर ने ना शादी के 2-3 दिन बाद मर ही जाना है। मैं इस घटिया काम में तुम लोगों के साथ नहीं हूँ। तो दफा हो जा, हमारा सीन क्यों खराब कर रही है? पुत्र तू फिक्र ना कर, इस नेक काम में मैं तेरे साथ हूँ। वो जो तुम इस नेक काम में हो वो हमारे साथ हो। हाँ जी। हेलो, देखो इनको हमारे ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ है कि हम शेर खान है और यहाँ पर एक दफा फिर शादी करने के लिए आया है। वो अगर इनको पता चल जाता तो ये हमको घर में भी घुसने नहीं देता। हमने इनको पैसों का लालच भी दिया, बस एक दफा हमारे शादी हो जाए फिर हम तुमको बाद में फोन करेगा, ठीक है? अच्छा खुदा हाफिज। तो यार तुम शेर खान कितना बड़ा एक्टर है यार, तुम बुलबुले में क्यों नहीं आते? हम रैन रिजवान से तुम्हारा बात करेगा। यार नबील, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम बब्बर शेर के लिए लड़की कहाँ से ढूंढेंगे? इश्तिहार में अखबार दे देते। ओ मारी, अखबार में इश्तिहार? हाँ, आइडिया वैसे बुरा नहीं है। सही कह रहे महमूद साहब, बब्बर शेर की ना जरूरत है, इश्तिहार में तस्वीर दे देते हैं, उसको यकीन भी आ जाएगा कि हम लोग बहुत ज्यादा सीरियस हैं। लड़की मिली ना मिली तो ना मिली, चीचो चीच गडेरिया, दो तेरिया दो मेरिया। खान साहब, लड़की मिल गई है? लड़की भी मिल जाएगा, मैंने अखबार में आपकी तस्वीर दे दी और इश्तिहार भी दे दिया है। ओ यार खान खराब, ये तुमने हमारा अखबार में तस्वीर क्यों दे दिया था? हम क्या खो गया था? ओ नहीं खान साहब, जरूरत है रिश्ता में आपका इश्तिहार दिया है, अब देखिएगा कि कैसे लड़कियों की लाइन लगती है हमारे घर के बाहर। वो जो तुम्हारे घर के बाहर लगेगी वो लड़कियों की लाइन होगी। हाँ जी। अच्छा जी। ओ माँ जी, ये कौन लोग हैं? पुत्र ये इश्तिहार में अखबार देख कर आए। अखबार में इश्तिहार दे के आए? हाँ वही। आप लोग रिश्ता लेकर आए? नहीं, फोन। अरे हाँ भाई, आपके घर में 100 साल का आदमी, हमने सबने सेल्फी बनवानी है। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है, हमने उस पे टिकट नहीं लगाया हुआ, निकलो यहाँ से। अरे यार पैसे ले लेना सेल्फी बनवाने के। क्या? चलो भाई आ जाओ। उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं यार बबल बनाए। चलो चलो जाओ शावर, जाओ जाओ। और कोई है? बबर शेर साहब, इजाजत हो तो एक मैं भी बनवा लूँ आपके साथ। अभी सारा दुनिया का बन गया, तुम भी बनवा लो। आ जाएगी बब्बर शेर साहब, आ जाएगी। अब तो आप पूरे शहर में मशहूर हो गए हैं। अरे एक से बढ़कर एक लड़की मिलेगी आपको। ओके, खाक मिलेगी। इधर टीवी पे रोजाना एक शादी हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो सिर्फ हमारा शादी नहीं हो रहा है। महमूद साहब, एक आइडिया। क्या? महमूद साहब, खान साहब की शादी टीवी के किसी मॉर्निंग शो में करा देते हैं। क्या? हाँ यार महमूद साहब, रोज मॉर्निंग शो में अजीब अजीब लोगों की शादियां हो रही होती हैं, क्यों ना हम खान साहब की शादी मॉर्निंग शो में कराएं? हाँ यार, हमें पैसे भी मिल जाएंगे और खान साहब की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आइडिया बुरा नहीं है नबील, वैसे ये
बुलाएंगे किसे हम? फैसल कुरैशी के प्रोड्यूसर को बुलाकर उससे डीट मार लेते हैं। कैसा ऐसा वैसा वैशाखी। अच्छी बात है, आप शादी करना चाहते हैं? जी वो करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरी बीवी मानती नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मेरे मियाँ से हैं? अरे आप चुप करें, मुझे इस अजीम आदमी का इंटरव्यू लेने दें। थैंक यू। ओ भाई, तू इनका इंटरव्यू क्यों ले रहा है? क्यों, इन्हीं को बुलाना ना मॉर्निंग शो में शादी वीक में। ओ नहीं भाई, लेकिन आपने ही तो कहा था कि 100 साल के आदमी है जिनकी शादी करवानी है। वर्षा वर्षे अबे तेरी ऐसी की तैसी, मैं तुझे 100 साल का लगता हूँ? नहीं 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 नहीं, लगते तो आप ज्यादा के हैं, लेकिन आपने मेंटेन बड़ा अच्छा किया। नबील ये मुझसे पिटेगा। अरे अभी तो मैं 50 का भी नहीं हुआ। क्या? ओ भाई ये वो नहीं है, वो 100 साल का आदमी अंदर बैठा है। आपने तो पूरा ओल्ड होम खोला हुआ भाई। अरे तो फिर हमें उनसे मिलवाए ना, शादी तो उनकी करनी है। अभी मिलवा देते हैं, लेकिन प्लीज आपने उनको ये नहीं बताना कि शादी जो है वो मॉर्निंग शो में हो रही है। तो उन्हें क्या बोलेंगे फिर? ये बोला जा सकता है ना कि लड़की वाले बहुत अमीर है और उनकी बेटी की शादी लाइव टीवी पे आएगी। हाँ ये भी ठीक है। और हमारा कमीशन? अरे आज ही मिल जाएगा। ये चीज मेरे अजीज, आए मैं आपको बबर शेर से मिलवाता हूँ। क्या आपके घर में बबर शेर भी है? अरे नहीं भाई, उस बाबे का उस बुड्ढे का नाम बबर शेर है। खान साहब कौन आया है? लड़की वाला आया है। क्या? हाँ हाँ, आपका इंटरव्यू लेने। और यार इंटरव्यू कैसा यार, हमको लड़की दे रहा है या नौकरी दे रहा है? वो क्या हो गया आपको बबर शेर खान साहब, लड़की वाले हैं ना, थोड़ा सा इंटरव्यू तो लेंगे यार। आप देखो, चलो ठीक है यार, जल्दी जल्दी करवाओ यार, हमको बहुत जोर से शादी आ रहा है। आप फिक्र मत करें खान साहब, माजी महमूद साहब इन्हें लेके आ जाए। ये है वो अजीम इंसान जो 100 साल पुराना है और आज भी जिंदा है। अरे वाह, ये शो तो सुपर डुपर हिट हो गया। पर कौन सा शो यार? शादी का फंक्शन खान साहब। अच्छा ये बताएं कि आप डांस वांस कर लेते हैं? यार जो तुम बोलेगा हम कर लेगा, तुम बस एक दफा हमारे शादी करवाओ। अरे शादी तो आपकी कल से शुरू है भाई। अच्छा हाँ हाँ, कल हम आपका मायो रख लेते हैं, परसों मेहंदी। ओ यार डायरेक्ट हमारा निकाह करवाओ, ताकि हम बीवी से थोड़ा रोमांस वोमांस करें ना यार। ये तो बहुत बड़ा ठरकी है भाई। हाँ तो ठीक है ना, कल हम निकाह रख लेते हैं, बाकी एक्टिविटीज बाद में होती रहेंगी। ठीक है, तो फिर आप तैयार रहिएगा, हम आपको सुबह गाड़ी लेने के लिए भेज देंगे। ठीक है। ओ यार पहले हमारे को लड़की तो दिखाओ। हाँ लड़की तो दिखाओ ना, असल में लड़कियाँ 2-3 है ना। ओए, 2-3 लड़कियों से हम शादी करेगा? नहीं नहीं नहीं, 2-3 दिखाएंगे, जो अच्छी लगे उससे शादी कीजिएगा। चलो तो फिर ठीक है, तुम लोग भी अपना तैयारी करो, फिर हम भी जरा तैयारी करते हैं। सही बात है। अच्छा तो मुझे इजाजत है, मैं चलता हूँ। चले मैं आपको दरवाजे तक छोड़ के आता हूँ। बबर शेर खान साहब मुबारक हो, कल आपकी शादी हो रही है। ओ यार तुमने तो हमको खुश कर दिया यार, ये बहुत प्रॉब्लम है। खुश जानू, अगर तुमने हमारा साथ दिया होता तो आज तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा मिल रहा होता। मुझे तुम लोगों का ये फ्रॉड का पैसा नहीं चाहिए नबील, तुम देख लेना इस दफा भी एंड में तुम्हारी कुट लगनी है। कोई चांस नहीं है जानू, सुबह खान साहब की शादी हो जाएगी, वो भी खुश हम भी खुश। बात सुनो, तुम लोग इधर क्या मस्ती मस्ती करते हैं? ओ यार कोई तैयारी मैयारी नहीं करने? कैसी तैयारी खान साहब? ओए कल हमारा शादी है ना यार। हाँ तो हमने कौन सा तेरी शादी में लुड्डी डालनी है? इसका मतलब है कि शादी में तो आपने जाना है ना। क्यों यार, तुम लोग हमारे शादी में नहीं आएगा? खान साहब हम लोग आपके वलीमे की तैयारी करेंगे ना भाई, खाने वाने का अरेंजमेंट करना है, तंबू शंबू लगवाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप निकाह करके दुल्हन को लेके आ जाइएगा, तब तक हम आपका कमरा भी सजा देंगे। यार हमको बहुत शर्म आ रही है यार। वो जो इनको आ रही थी वो शर्म थी? जी 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 जी। बाबुल की दुआएं लेती जा,
जा तुझको सुखी संसार मिले, बाप की दुआएं। भाई शो का टाइम हो गया, अब चलो आओ। मुबारक हो खान साहब, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चले जी, खान साहब की शादी लाइव देखते हैं बैठकर। वो जो हम बैठकर देखेंगे वो इनकी शादी होगी। हाँ जी, हाँ जी, आज वो, आज वो, आज वो, आज वो, आज वो। प्रोग्राम आए चले जा रहे हैं, ये शादी का प्रोग्राम कब आना है? ओ पता नहीं माँ जी, कब आना है, 10 तो बज गए हैं। नबील, ये कि खान साहब ने कोई भंड तो नहीं कर दिया? ओए हम तो नहीं कर रहे हैं ये शादी माँ जी। यार नबील, ये तो खान साहब की आवाज है। हाँ लेकिन तस्वीर क्यों नहीं आ रही है? ओ चल यार, तुम लोगों को धोखा दिया यार, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं सर, ऐसे नहीं करे, मेरी नौकरी का सवाल है, हमने अपने चैनल पे प्रमोशन की भी आपकी शादी की। वाह, तुम्हारा बाढ़ में जाए नौकरी, हमारे बॉस का परवाह नहीं है। वो खान साहब आप वापस क्यों आ गए? आपकी दुल्हन कहाँ है? ओ गोली मारो दुल्हन को, ये लोग हमारे जिससे शादी करा रहा था उसको तो मॉर्निंग शो में 3 दफा दे चुका है, उसका शादी हुआ है। वो शाबाशी। नबील भाई इनको समझाए यार, हमारा बहुत पैसा लगा हुआ है, इतनी प्रमोशन हुई हुई है, हमारे चैनल पे पहली दफा 100 साल के बुड्ढे की 25 साल की लड़की से शादी हो रही है, खुदा के लिए। आए, नहीं है, हम 100 साल का आदमी, ये देखो हम शेरखान है, शेरखान। शेरखान तू? आप लोगों ने हमसे झूठ बोला, आप ही तो कह रहे हैं 100 साल के। देखे आप नाराज ना हो, 20-25 साल रुके, ये 100 साल के हो जाएंगे। अरे फाड़ में जाओ तुम लोग, निकालो मेरे पैसे। पैसे कैसे? जी हाँ, आपकी नकली शादी कराने के लिए इन लोगों ने मुझसे 1,00,000 रुपए लिए थे। क्या नकली शादी? और ये तुमने अच्छा नहीं किया बगैरा। नहीं खाते मेरी बात सुने, मैं आपको सारा, तुम ना हमारा नकली शादी करा रहा था ना, हम तुम्हारे को असली गोल मारा। नबील तुम्हारे दोस्त की शादी है, हम क्या गिफ्ट नहीं लेके जाएंगे? ओ यार इतना पक्का दोस्त थोड़ा है मेरा, बचपन में कोई एक आधी दफा खेला था मेरे साथ। क्या? ओ ये कौन है पेंडू पेस्ट्री? नबील मुझे तो ये पठानों की साइकिल लग रही है। अरे भाई ये मेरी पेशन है, पेशन। मुझे तो लगता है वो डॉक्टर उस लड़की को भगा कर लाया है। क्या? हाँ, और लाकर हमारे घर में छुपा दिया उसे, ताकि किसी को शक ना हो। उस कटिया के पीछे ना अपने खानदान की इज्जत को ना फरोल। अच्छा चले ठीक है। इतनी जल्दी मान गई तू? हाँ वो घटिया आया ही नहीं तो और क्या करूँ मैं। इस बेचारी को कौन अपनाएगा, कौन करेगा इससे शादी? जवाब दे महमूद साहब, जवाब दे। मैं करूंगा शादी, मैं। आए खबीस, मैं तेरा खून नहीं पी जाऊंगी। चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए।